स्वामी विवेकानंद के जयंती के उपलक्ष्य पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई मंडी द्वारा ऐतिहासिक पड्डल मैदान मंडी में एक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर सोच संस्था के फाउंडर राजा सिंह मल्होत्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई मंडी द्वारा ऐतिहासिक पड्डल मैदान में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि राजा सिंह मल्होत्रा ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया और एबीवीपी के सदस्यों से आग्रह किया कि ग्रामीण स्तर पर युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया जाए ताकि युवा नशे से दूर रहें और खेल प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लें। वहीं इस मौके पर राजा सिंह मल्होत्रा ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर भी प्रकाश डाला। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद ने एक नए समाज की कल्पना की थी, ऐसा समाज जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य मनुष्य में कोई भेद नहीं रहे। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों को इसी रूप में रखा। विवेकानंद को युवकों से बड़ी आशाएं थी। आज के युवकों के लिए इस ओजस्वी सन्यासी का ये जीवन वृत्त लेखक उनके समकालीन समाज एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में उपस्थित करने का प्रयत्न किया है। ये भी प्रयास रहा है कि इसमें विवेकानंद के सामाजिक दर्शन एवं उनके मानवीय रूप का पूरा प्रकाश पड़े। स्वामी विवेकानंद जी सिर्फ युवाओं के लिए ही नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक आदर्श थे। अगर हम उनके नक्शे कदम पे एक कदम भी आगे चल पाए तो मैं समझूंगा कि सभी युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात होगी। उनका एक ही मकसद था कि अपने आप को अंदर से और बाहर से संतुलित कैसे करें, चाहे वो किसी काम से हो, चाहे वो खेलों से हो, चाहे वो मेडिटेशन से हो, चाहे वो योगा से हो। तो उन्होंने हमेशा से ही युवाओं को बढ़ावा दिया है, इन सब चीजों को बढ़ावा दिया है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया है, सिर्फ इसीलिए ताकि हमारा युवा आगे जाके सबका मार्गदर्शक बने और सबको एक अच्छे रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करे। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, अखिल भारतीय संगठन से भी मैं करना चाहूँगा कि नशे के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाएं, गांव-गांव के स्तर पर कार्यक्रम चलाए जाएं, ताकि लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो नशे की ओर ना जाएं। और एक बात, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एकमात्र ऐसा संगठन है जो किसी सरकार के प्रेशर में नहीं आता है। चाहे कोई भी इशू हो उसको उठाने के लिए वो सक्षम है, चाहे सामने कांग्रेस की सरकार है, चाहे बीजेपी की सरकार है, वो ये नहीं देखते सामने नेता कौन खड़ा है, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ही नेता खड़ा हो, अगर उससे भी लड़ना पड़े तो वो लड़ते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं उन सबको बधाई देता हूँ। और ये शुरू होने जा रहा है, इसके लिए सभी टीमों को, सभी प्लेयर्स को मैं बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग यहां से निकल के आगे भी बड़े मंचों पे जाएं और अच्छा अपना प्रदर्शन दें। बस इतनी सी बातें कहता हुआ आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद।